ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों ने हानिया की मौत के बाद ईरान की ओर से इसराइल पर हमले की भविष्यवाणी की थी। हालांकि बीते 20 दिन में हमले की भविष्यवाणियां सच साबित नहीं हुई हैं। भले ही हानिया की मौत के बाद से अब तक शांति है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों देशों, खासतौर से इसराइल के नागरिकों के लिए बीते 3 हफ्ते काफी कष्टकारी रहे हैं। ईरान लगातार हानिया की हत्या के लिए इसराइल से बदला लेने की कसम खा रहा है, जिससे टेंशन बरकरार है। इसे ईरान के माइंड गेम की तरह देखा जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के डर से इसराइल में हंगामा है। इसराइली ईरान की प्रतिक्रिया का दिन रात इंतजार कर रहे हैं। ये किसी की मौत का इंतजार करने से भी कठिन है। युद्ध की संभावना इसराइली और ईरानी लोगों के मानस में है। दोनों देशों के लोगों के बीच एक फर्क यह है कि ईरानी लोग अपनी सरकार के मनोवैज्ञानिक खेलों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं। ईरान बीते 45 वर्षों से अपने लोगों पर भी साइकोलॉजिकल युद्ध को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसका माइंड गेम यह है कि लोगों को चिंतित और अनिश्चित बनाया जाए कि आगे क्या होगा, लोगों को एक तरह की निराशा और डर की भावना में रखा जाए। ईरान जानबूझकर चीजें साफ नहीं करता है ताकि लोगों में एक अनकहा डर बना रहे। इसी स्थिति को ईरान अब इसराइल में अपनाने की कोशिश करते हुए इसराइलियों को डर और आशंका की स्थिति में रखने की कोशिश कर रहा है। हानिया की मौत के बाद ईरान ने इसराइल पर हमला करने की कसम खाई तो उसे ऐसा एक डर सा महसूस होने लगा। ये डर उसके अंदर बैठ गया है और मन से नहीं निकल रहा है। इसराइल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीते साल 7 अक्टूबर के बाद लंबे समय से तनाव में रहे और अब फिर से एक डर का सामना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में इजरायली संभावित युद्ध के डर से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जो निराशा को और बढ़ा रहा है। अगर कोई इजरायल छोड़ रहा है तो साफ है कि ये इस तरह के मनोवैज्ञानिक खेल में ईरान की जीत की तरह है।